मिथिला अपनी बौद्धिक परंपरा के लिए पूरे विश्व में पहचाने जाने वाला राज्य है। मिथिला का अलग महत्व रहा है। मिथिला और काशी और कश्मीर ये तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत चिंतन हुआ। हृदय के उस द्वार को तुम खोल दो ना, आस के समता विषमता जा। जहाँ की धरती पर संस्कृति की मिठास देखी जा सकती है, साथ ही देखी जा सकती है लोक संस्कृति और मिथिला पेंटिंग की सुखद अनुभूति। आज मेरे करुण स्वर में प्राण मेरे अमृत घट सीला अमीर की भूमि। जीवन को अंगाम नहीं है पर इसकी पहचान है। ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षिक संपन्नता से परिपूर्ण मिथिला की धरती को विद्यापति और महाकवि कालिदास ने गौरवान्वित किया है। मिथिला ने अनेक विद्वजनों को सकारात्मक अवसर दिया है। इसी धरती पर मैथिली साहित्य के इतिहास में प्रगतिशीलता के एक उदाहरण है चंद्रनाथ मिश्र अमर। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर मैथिली साहित्य के एक वरिष्ठ साहित्यकार है जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों बहुआयामी है। वो मैथिली साहित्य में सारे विधा पे जो है वो उनका लेखनी है और वो ऐसे कवि के रूप में माने जाते हैं, लेकिन वो उतने गद्यकार भी हैं। चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, कथा हो, सब में उनका समान अधिकार है। उनका कलम सारे विषय के ऊपर चला है। जगरास हो जिमदे भेंट हो इससे सब कुछ कहूँ कुशल बुझना जाई तथ जना ए ही युग सो ई स्वयं अपरिस्थित हो। एकरा करे जिमें नहीं लगी तथे युगक धा एकरा न खबर छे आई मानवक द्वारे मानव अचितवा। जनिक जौवनक आरंभहिसों धैने जरा धरिक संजोग माय शारदा बिहुसी रचाओल रचना कत अनमोल। पैसी माथ में बैसी सरस्वती खन जिह्वासन लेखनी जाय गद्य पद्य मै कौ जीवन के चंपू दलनी बनाय। काव्य में जो है सो गद्य और पद्य का जब मिश्रण हो जाता है तो वह काव्य चंपू हो जाता है। इनका जो जीवन है वह चंपू बन गया है क्योंकि उतना ही हास्य, उतना ही तीखा व्यंग्य और उतनी ही आलोचना। इनकी रचनाओं को कंठाग्र करके और एक मुहावरे के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जग के जुग परतारी रहल अछि एम्हर ओम्हर के तकैत अछि अपने हाथ सुतारी रहल अछि। जमाना है गजब इंसान में ईमान मत ढूंढो यहाँ ईमानदारों को जहाँ है वांग। हमर कथा के कान दैत अछि जे खोपड़ी छरबा न सकै छल से सब ऊंच मकान दैत अछि। उनके द्वारा जो भी रचनाएं हैं वो वास्तव में किसी न किसी रूप में समाज के लिए प्रेरणादायक मालूम पड़ता है। मिथिला के जो अपनी जीवन पद्धति है या जो जीवन मूल्य है उसके साहित्य में जो जीवन मूल्य है उसको वो जीते हैं, स्वयं में जीते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो जिए। कहते हैं मनुष्य जिस मिट्टी में जन्म लेता है उनके अच्छे कर्मों से वो धरती भी धन्य हो जाती है। उस दिन मधुबनी भी धन्य हुई थी। दिनांक 2 मार्च 1925। इसी दिन मधुबनी के इसी खोजपुर गांव में जन्म हुआ था चंद्रनाथ मिश्र अमर का। चारों तरफ खेतों से घिरे इस छोटे से गांव खोजपुर में इस कुशाग्र बुद्धि बालक का जन्म हुआ था। मेधा प्रतिभा के धनी
चंद्रनाथ मिश्र को पढ़ाई से अजीब सा लगाव था, जिसकी वजह से आप शिक्षकों के भी चहेते थे। उन दिनों आपके पिता मुक्तिनाथ मिश्र रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। पिता का प्रभाव, परिवार के संस्कार और सरस्वती की असीम कृपा आपको अपने पिता के सानिध्य में ले आई और चंद्रनाथ खोजपुर से दरभंगा आ गए। दरभंगा में ही पिता के सानिध्य में रहकर अपने व्याकरण पुराण और साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया। मैट्रिक की परीक्षा पास की, महाविद्यालय में भी आसानी से दाखिला मिल गया। महाविद्यालय भी ऐसे होनहार छात्र को पाकर प्रसन्न था। आपके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास भी हो रहा था, रचनात्मक गतिविधियां भी प्रगति के सोपान को छू रही थी। मैं जब 17 साल की उम्र में था तो मेरी शादी कर दी गई और तब तक मैं समझिए कि IAS स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई मेरी हुई थी। आपने महारानी लक्ष्मीवती अकादमी में संस्कृत और मैथिली के स्थायी शिक्षक के तौर पर सफर शुरू किया। ये अपने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपने समय में जाने जाते थे। इनका अपना जो साहित्य है उससे कम महत्वपूर्ण यह सेवा भी नहीं है कि इनके माध्यम से, इनके प्रेरणा से मैथिली को अनेक विशिष्ट साहित्यकार प्राप्त हुए हैं। पिता पंडित मुक्तिनाथ मिश्र की महान छाया तले चंद्रनाथ मिश्र का बौद्धिक विकास होता गया। उसी दौरान आपने अपने निकटवर्ती अनुभवों से जो संवेदनाएं ग्रहण की वो आपकी कलम से काव्य धारा के रूप में बहने लगी। पतिराखन अलुआ नाम अमर, अशिनाम अधिक बदनाम अमर, उपजन घर घर में फटक बंद, नेता भेला सब नजर बंद। यही कविता के माध्यम से हम राजा बहादुर दरबार में पहुंचे। ऐसा साहित्य के आंदोलन में पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कविता सुनने और पढ़ने की रुचि मैथिली भाषियों में जागृत की। रमणीयता उनकी रचनाओं में सर्वत्र पाई जाती है, जिसके चलते भाषा आंदोलन में भी अमर जी का योगदान काफी रहा। अध्यापन में रत होते हुए भी आपका साहित्य और कलम से अटूट नाता रहा। इसी बीच सामाजिक ताने बाने को लेकर आपके लिखे दो उपन्यास वीर कन्या और विदागरी प्रकाशित हुए और बहुत ही कम समय में पाठकों के बीच चर्चा का विषय बन गए। हालांकि दुनिया के अधिकतर साहित्यकारों की ही तरह आपकी शुरुआत भी कविता से हुई। साहित्यिक भाव को संजोए मात्र 21 वर्ष की आयु में उपन्यासकार, कहानीकार और कवि के रूप में आपने प्रसिद्धि पाई। सफल कवि सम्मेलन की गारंटी होती थी अमर जी का। इसी दौरान आपने मैथिली और हिंदी में 500 से भी अधिक कविताएं, 2 उपन्यास, 100 से अधिक कहानियां, 2 एकांकी संग्रह और कई आलोचनात्मक निबंध भी लिखे। आपने 3 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें लिखी जो आज भी मील का पत्थर साबित हो रही हैं। प्रक्रिया जो है, कन्यादान, उसके बाद बहुश्रावणी, उसके बाद विरागमन, उसके बाद बच्चा, बच्चा का माय, उसके बाद विदागरी, तो यह श्रृंखला। तो बच्चा का माय तक तो और लोगों ने लिख लिया था। आपने काव्य के साथ साथ गद्य में भी लेखनी चलाई, अपने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्रों में मिथिला साहित्य को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। जीवन तो यही है कि जीवन तो सबको होता है, पर जीवन किसका होता है, तो इसी दृष्टि से वह उसमें तो दार्शनिक कविताएं हैं। उनमें मुझे खुद आश्चर्य होता है ये कविताएं कैसे लिखी गई, ये पंक्तियाँ कैसे लिख दी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कविता लिखी नहीं जाती है,
कविता लिखा जाती है, पद्य लिखा जाता है। ग्रामीण परिवेश की अभिव्यक्ति को समेटे आपके लिखे कहानियां जल समाधि, जीरो पावर, दही खुईचा, लंका विजय आदि में कथाओं में बदलते युग बोध का चित्रण देखा जा सकता है। मैथिली भाषा में लिखे गए मैथिली पत्रकारिता के इतिहास के लिए आपको सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आपके विविध कृतियों के लिए साहित्य अकादमी सहित देश की असंख्य संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया। सन 1984 में चेतना समिति पटना से ताम्र पत्र परशुरामक बिछल बिरायल कथा के लिए, सन 1998 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार और बिहार राजभाषा परिषद द्वारा विद्यापति पुरस्कार। और फिर सन 2010 में साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित 72 सदस्यता यानी फेलोशिप प्रदान की गई। मैथिली अलग भाषा होते हुए भी हिंदी की बोली समझी जाती थी, उसे स्वतंत्र भाषा सिद्ध करने के लिए हुए जन आंदोलन का श्रेय प्रमुखता से आपको भी जाता है। साहित्यिक आंदोलन होने से भाषा को स्थान नहीं मिल सकता है, उसके लिए राजनीतिक चाहिए। तो सेनानी तो बहुत है लेकिन सेना कहाँ है? तो मैंने विद्यार्थियों का भंडार भर दिया, बड़े एक एक स्कूल में 200-200 वैश्विक पढ़ने वाले छात्र निकले। और तब 2003 में आकर के संविधान में मैथिली को जगह मिली। शिक्षक की नौकरी करते हुए चंद्रनाथ मिश्र अमर काव्य की दुनिया में आए और छा गए उस द्वार को। इसी दौरान आपकी रचनाएं जनकंठ की आवृत्तियों में आई और कालजयी हो गई। जा सके भी रो सके यदि मन कभी कुछ गा सके भी। अपनी रचनाओं के जरिए आपने न केवल आम लोगों का मनोरंजन किया बल्कि सामाजिक विसंगतियों पर करारा प्रहार भी किया है। जब व्यंग करते थे तो लगता नहीं था जो किसी पर व्यंग होता है, लगता था जैसे उसमें कोई पॉलिसी लगा रहे हैं, उसको और प्रसन्नता होता था। इस तरह के इनका व्यंग में कहीं द्वेष नहीं होता था। अन्याय के आगे सिर झुकना और अंतरात्मा को गिरवी रखकर व्यवस्था से समझौता करना आपके स्वभाव में कभी नहीं रहा। जो सोचा है वही बोला है, वहाँ पर इन्होंने कभी समझौता नहीं किया है और वही उन्होंने अपने काम में भी परिलक्षित किया है, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। शोषण मुक्त समाज या यूं कहें कि समता मूलक समाज निर्माण के लिए आप सदैव प्रयासरत रहे। आपकी रचनाएं व्यवस्था के प्रति विरोध, रूढ़ियों के प्रति प्रतिशोध, परिवार और समाज के रिश्तों पर कटाक्ष, यथार्थ जीवन के अंतर विरोधों को समझने में मदद करती हैं। साहित्य के संबंध में मैंने उसको 3 भागों में बांटा है। साहित्य हित के सहित जो हुआ साहित्य कहलाता है, और एक होता है राहित्य, पढ़ लिया, हंस लिया, आनंद उठा लिया, उसका स्थायी कोई प्रभाव नहीं रहा, और आहित्य ऐसा लेखन जिससे लोगों की का मनोविकार उत्तेजित हो। तो उत्तेजित करने वाला जो है, विचार को दूषित करने वाला जो है वह आहित्य है। और केवल जैसे और कोई कुछ उपदेश नहीं मिलता है, मगर जब पढ़ते हैं तो आनंद होता है, तो आनंद के लिए जो होता है वह साहित्य होता है। आपकी मैथिली और हिंदी दोनों ही रचनाओं में जिंदगी का सहज बयान भी है और मध्य वर्ग के जीवन में व्याप्त विसंगतियों का चित्रण भी। सचमुच साहित्य में बीत कर भी कुछ नहीं बीतता, हमेशा बना रहता है। कर्म और राजनीति, आस्था और अनास्था, हिंसा अहिंसा, ईमानदारी और बेईमानी, जिजीविषा और निराशा, सब कुछ तो समाहित है आपकी कविताओं में। इनका जो लेख है वो लगता है जैसे इनको पता है जो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के बाद होने वाला क्या है,
आज वो लिखते हैं। चाहे काव्य धारा युग चक्र हो या फिर आशा दिशा या ठौही पठौही, ठाई पठाई में जो कविताएं हैं वो भी इनका जो है बहुत सटीक बैठता है समाज के कुरीतियों पर। इसलिए संस्कृत के संरक्षण के रूप में बड़े अच्छे संस्कृति के संरक्षक। इन कविताओं में समता और विषमता के जहां भाव बोध परिलक्षित होते हैं, तो निश्चय ही ऋतुप्रिया जैसी कविताओं को कल, आज और कल के दायरों में नहीं बांटा जा सकता। देखो, ऋतु का वर्णन केवल नहीं है अपितु बारहों मास के जो विशेषता एवं की जो विशेषताएं हैं वो संपूर्ण विशेषता, और उसमें भी उस महीने में जो मिथिला की जो सो संस्कृति है, परंपरा है, पर्व त्यौहार हैं, उल्लास है, सबका उन्होंने बहुत बारीकी से चित्रण किया है। वर्ष 1975 में प्रकाशित आशा दिशा, ऋतुप्रिया, विदागरी, स्वातर्त्य स्वर और मैथिली पत्रकारिता के इतिहास जैसी आपकी किताबें पाठ्य ग्रंथों के रूप में पढ़ाई जाती रही हैं। गद्य का विकास हुआ यहाँ से, और वह विकास कैसे हुआ इस पर अगर पत्र पत्रिकाओं का इतिहास, तो इतिहास नहीं है, वह समीक्षा है। इतिहास माने समीक्षात्मक इतिहास है, वस्तुतः इतिहास में घटनाओं का वर्णन हो जाता है, लेकिन किस पत्रिका की माने किस पत्रिका का क्या उद्देश्य था, उसने क्या क्या काम किया, इस पर मेरी समीक्षा है। जितनी बड़ी पत्रिकाएं मुझको मिली, एक एक पंक्ति पढ़ करके उसके बाद मैंने इस पर कलम उठाई। कहते हैं एक साहित्यकार जब किसी रचना को कलम देता है तो वह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है। मेरे साहित्य में आप कोई भी कविता पढ़िए तो उसमें विचार है, मायावी नहीं है। क्षण और कण, इन दोनों का सबसे ज्यादा महत्व है। क्षण को जो गवाएगा वह विद्या नहीं पा सकता है। आज नहीं कल कर लूँगा, मेरा अभ्यास है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। चंद्रनाथ मिश्र उन कवियों में हैं जिन्होंने कविता की धारा को अपनी जादुई स्पर्श से एक नई दिशा दी है। तो रागों पर रचित गीत समदाउन, महेशवाणी, नचारी, लगनी आदि लोकगीत लोक जीवन और लोक गीतों का एक ऐसा चरित्र है जिसकी तस्वीर दिल के कागज पर खिंच जाती है। मैथिली पत्रकारिता पर गौर करें तो कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैथिली में पत्रकारिता का अपना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन मैथिली पत्रकारिता के इतिहास को संकलित करने का काम बहुत ही कठिन था। यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय के जो प्रथम भाई सम्मेलन हुए वे मेरे फूफेरे भाई थे, और उन्होंने कहा कि एक निबंध लिखो, मैथिली आंदोलन एक सर्वेक्षण, तो मैंने उस पर ग्रंथ लिखा। उसमें मैंने सिद्ध किया कि मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है और जिसके लिए यह सब प्रमाण है। पहली पत्रिका प्रकाशित हुई जयपुर से, दूसरी पत्रिका प्रकाशित हुई काशी से, और गद्यम कवि नाम निकषम बदंती, भाषा विकसित होती है गद्य में, पद्य में नहीं। और गद्य का आरंभ किया गया पत्रकारिता आरंभ होने के बाद, उसे पहले गद्य नहीं मिलता है। भाषा आपकी पहचान थी, एक शर्त थी। आपने नारी सशक्तिकरण पर भी लेखनी चलाई। तत्कालीन समाज की विद्रूपता, विसंगति और बेमेल विवाह का जिक्र भी आपकी रचनाओं में मिलता है। बेमेल विवाह की समस्या पर आधारित वर्ष 1965 में बनी फणी मजूमदार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान में चंद्रनाथ मिश्र अमर को अपनी अदाकारी का जौहर दिखाने का अवसर मिला। आप इस फिल्म में भाषा निर्देशक भी रहे। भीतर एक भय था कि ये क्या कहेंगे, लेकिन जब वहाँ मैं आया तो मैथिली का उत्थान ये भी चाहते थे, तो इन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। तब मुझे हुआ कि तो उसके बाद तो
तो पूरा वो कैरेक्टर रोल है लाल काका जिसकी लड़की है जिसका कन्यादान हुआ है तो वह पूरा करेक्टर रोल मुझे करना पड़ा। उसने भी जब पहला शॉट मेरा हुआ तो ओके, पहला ही शॉट मेरा ओके हुआ और बड़ी बहुत तारीफ बजी, कहा कि बस आज इतना ही होगा, मिठाई और मिठाई बांटो। मैथिली साहित्य के स्थानीय परिवेश पर नजर दौड़ाई जाए तो बनावट और बुनावट से कोसों दूर एक बेहद सादा व्यक्तित्व चंद्रनाथ मिश्र अमर ही नजर आते हैं। जो उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, आपको देखते ही उनके आंख में जो चमक और मुंह पर में जो मतलब स्मित भाव आता है, थोड़ा सा हंसता हुआ, वो आपको बांध कर रख देता है। आप एकदम इतना आकर्षित हो जाते हैं कि लगता है कि कोई आपके घर के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। वो जो चमक है वो बहुत रेयर है, अब आदमी के मुंह पर मिलता नहीं है कि वो खुद में झांक करके खुद को देखते हैं। पहले उनके मन के विपरीत हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जा सकते थे, चप्पल का विरोधी थे, हम लोग के लिए चप्पल नहीं लाते थे। श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं कि फिल्मों का हमारे समाज पर काफी व्यापक असर पड़ता है, इस बात को इस क्षेत्र में किए गए कई शोधों ने भी सच ही पाया है। आजादी के आसपास के दौर से ही फिल्मों का समाज पर पड़ने वाला असर दिखना शुरू हो गया था। इसमें उस वक्त की बनने वाली कई फिल्मों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके सकारात्मक प्रभाव ने आजादी के आंदोलन को और भी मजबूती दी। रचना कर्म के साथ ही जो बात पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर को विशिष्ट बनाती है वो है इस उम्र में भी आपका निरंतर अपने साहित्यिक विषयों से जुड़ा होना। प्रोत्साहन देने का उनका ढंग है, एक मार्गदर्शक के रूप में भी वो बहुत सुलझे हुए अभिभावक मुझको लगे। उनकी लिखी हुई चीज मुझे मिली, उनमें कहानीकार ही मुझे वो सबसे अच्छे लगते हैं। आपकी तमाम रचनाओं की विविधता ही आपकी विशेषता है। मैथिल समाज और संस्कृति की झलकियों को समेटे आपकी रचनाएं समता मूलक समाज के निर्माण के इर्द गिर्द घूमती हैं। ग्रामीण जीवन में अशिक्षित दलित के शोषण और जाति व्यवस्था के सवाल को अपने गहरे सरोकारों के साथ उठाया है। उन दिनों जबकि ऊंची और नीची जाति प्रथा का प्रभाव जोरों पर था, आपने महादलितों को भी अपने सानिध्य में रखा। उनके यहाँ मेरा पिताजी जी ने नौकरी कर रहा था, वो जमाने में भी मेरे पिताजी बोल रहा था जब हमने दरभंगा जा रहे थे तो अपने गांव से हट करके गया और उसको घोड़ा पर चढ़ाया, हम पैदल चल दिए और भगवान की पोटरी हाथ में ढलाया और दूसरे आदमी सब बोल रहा है अरे नौकर को आदमी ऊपर में बैठा आप नीचे, कह रहा है नौकर नहीं है बच्चे है मेरे और परिवार का सदस्य है। मेरे पिताजी के साथ कोई ये छुआछूत का भावना नहीं था। तेरा को पानी भीतर जाए घेला छूने जैत परा कह गए है चंद्रनाथ मिश्र जी अमर अमर हो जाए। तेरा को पानी भीतर जाए घैना छूने जात पराय बाप बेटा के कोई न जाने मावी बाप के भूलल जाए इतरक पैन भीतर। दो मत नहीं कि मिश्र जी की रचनाएं मैथिली गीत से प्रारंभ होकर महाकाव्य और कई विधाओं की ओर अग्रसर होती हैं, एक नए युग की प्रशस्ति का संदेश देती और आगामी पीढ़ी को नैतिकता और निष्ठावान होने का पाठ भी पढ़ाती हैं। जय मन हारिणी जय गण भारती आज भी मैथिली कवियों के कंठ कंठ में बसी हुई है। सन 1945 में आप नवरत्न गोष्ठी दरभंगा के संस्थापक सचिव और 1957 में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद के महासचिव रहे। फिर सन 1982 में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेटर के रूप में अपना योगदान दिया।
इस बीच सन 1948 में आप विद्यापति गोष्ठी के संस्थापक सदस्य रहे। 1983 साहित्य अकादमी दिल्ली में मैथिली भाषा सलाहकार। सन 1988 में मैथिली अकादमी पटना के प्रकाशन समिति में सदस्य रह चुके हैं। इसी बीच 1993 में आकाशवाणी दरभंगा में कार्यक्रम निरीक्षक के रूप में भी आप मनोनीत हुए। इसके बाद 2003 में साहित्य अकादमी दिल्ली मैथिली सलाहकार परिषद के संयोजक भी रह चुके हैं और मैथिली महासभा के प्रभारी अध्यक्ष के साथ अनेक मैथिली संस्थाओं के सलाहकार सदस्य भी रहे। इतना ही नहीं, आपने विद्यापति गोष्ठी की स्थापना करके हिंदी मैथिली साहित्यकारों में सामंजस्य भी स्थापित किया। साहित्य अब जो है एक शताब्दी बीत गई है और अब जो है सो मैथिली जमकंठ से जा रही है। जिस तत्परता के साथ हम लोगों ने मैथिली की रक्षा की, इसका विकास किया, वह सब ध्वस्त हो गया। नागार्जुन जी ने कहा था कि मैथिली मर जाएगी, तो मरेगी तो नहीं लेकिन पारी प्रकृति की तरह यह अध्ययन का विषय रह जाएगी, क्योंकि इसमें साहित्य इसका बहुत बहुत समृद्ध साहित्य है। छियानवे वर्ष की अवस्था में भी अमर जी सक्रिय हैं। मानवीय संवेदनाओं से भरपूर यदा कदा चंद्रनाथ मिश्र अमर की कलम अब भी चलती है, ताकि जीवन शक्ति शिथिल न पड़े। इनसे सीखने की सबसे बड़ी बात यही है कि अपना कर्म जीवन के अंतिम चलते रहो। एक साहित्यकार का कर्म है लिखना पढ़ना, और जो अभी तक वो निर्वाह कर रहे हैं। मैथिली में प्रथम दैनिक पत्र स्वदेश के संयुक्त संपादक और साहित्य जगत के प्रेरणा स्रोत की व्याख्या शायद शब्दों में इसलिए संभव नहीं है कि जर्जर हो चुकी इस अवस्था में भी रचना कर्म के साथ जो बात आपको विशिष्ट बनाती है वो है आपका जिज्ञासु पाठक होना। तो है जटिल संसार का यह मोह बंधन, तो पुनस्ति को भी जब मोह नहीं छोड़ सका तो हम मामूली आदमी मोह से मुक्त कैसे हो सकते। बेशक अब नेत्र में वो ज्योति ना हो, उमंग और स्फूर्ति ना हो, लेकिन मन में एक चाह जरूर है कि मैथिली साहित्य की समृद्धि में कोई बाधा ना आए। इसीलिए तो चंद्रनाथ मिश्र अमर अपने मन को बहलाने के लिए अब भी कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लेते हैं। उजली बखारी चाहे क्यों न अन्न सरकारी, ले मुट्ठी में जान समर में लड़ बहादुर सेना, आय पार मजदूर आई चुवाय पसेना, मुड़ी काट अकालक गाड़ी भूख न दे तेन बुझ मुड़ियारी। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। रससिद्ध कवीश्वर ही वैसे होते हैं जिनको न बुढ़ापे का भय होता है और न मर मृत्यु का भय होता है। समय की गति बड़ी क्षिप्र होती है, इतनी तेजी से बीत जाती है कि पता ही नहीं चलता, लेकिन चंद्रनाथ मिश्र अमर अपने में विलक्षण परिवर्तन देखकर विस्मित नहीं होते हैं। लोग मरकर अमर होते हैं, लेकिन चंद्रनाथ मिश्र जीते जी अपने छात्रों के बीच में अमर हैं, शाश्वत हैं, जीवंत हैं। वतन के नाम पे मरना जी को मौत कहते हैं, जहाँ पे मात होकर मौत भी बेमौत मर जाती। तो वतन के नाम पे मरना सिखा दे ऐ खुदा को, कि मरकर जिंदगी पालूं और सबक मुझसे जहाँ पाए।